एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिमांडेड वीडियो है, यानी कि बहुत लोगों ने बोला था मुझसे फुटवेयर कलेक्शन के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ह्यूज फुटवेयर कलेक्शन, वो भी डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर, सभी बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। एंड गाइस, आपको इन सबको परचेज करने के लिए जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। पूरा स्टोर ओपन हो जाएगा मेरा श्वेताज स्टोर के नेम से, और ये स्टोर मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है बुलबुल ऐप पर, जिससे आपको शॉपिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए और आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो। तो जस्ट आपको उन पर क्लिक करना है और आप बाय कर सकते हैं। इस स्टोर में आपको फोटोज ही नहीं, फोटोज के अलावा डायरेक्ट वीडियोज देखने को मिलेगी, ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एथनिक कलेक्शन से, यानी कि बैलीज से, जो कि है मेरी मोस्ट फेवरेट बैलीज, क्योंकि ये बैलीज होती है ना, किसी भी कुर्ते के साथ, सूट के साथ, साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है एंड बहुत कंफर्टेबल भी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट बैली बताती हूँ, ये वाली बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस एंड अफोर्डेबल प्राइस में है, सबसे अच्छी बात है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस तरीके की आपको मुझे बैलीज मिल जाएंगी। ये जो है लहरिए में बैलीज है, आप देख सकते हो इसमें लहरिया पैटर्न है एंड यहाँ पे इन्होंने इसमें मोती से इस पे जो है डिटेलिंग की हुई है पूरी बैलीज पे, तो काफी अच्छी है। मतलब आप इन्हें किसी भी एथनिक वियर के साथ कैरी कर सकते हो। अभी क्या फेस्टिवल है और जो वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली इन बैलीज को ट्राई कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल रहेगी। अगर आप इन्हें पूरे दिन भर भी कैरी कर सकते हो उस अकॉर्डिंग अच्छी है। एंड अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ, पूरी क्लॉथ की फैब्रिक है ये वाली, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ना क्लॉथ, अगर उस अकॉर्डिंग ये बैली मुझे बहुत अच्छी लगी। साइज मैंने इसमें जो है मेरे 6 नंबर आता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हो और ये किसी भी ओकेजन पार्टी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। दूसरी वाली जो मैं बैली बता रही हूँ वो भी कुछ इसी टाइप की बैली है, जो कि बहुत ही सुंदर सी है एंड मैं काफी टाइम से इतनी कलरफुल बैली परचेज करना चाहती थी कुछ इस टाइप की, एंड ये भी ओकेजन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। कैजुअल में भी अगर आप इसे कुर्ते वगैरह के साथ पेयरअप करते हो उस अकॉर्डिंग अच्छी है। एंड आपको काफ़ी सारी बैलीज के डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली आती है, लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। यहाँ पे आपको इस तरीके पॉम पॉम वाली डिटेलिंग मिल जाएगी बैली पे, और ये भी जो है क्लॉथ से है, इसमें भी क्लॉथ यूज़ किया हुआ है, इसमें मैंने 6 नंबर साइज परचेस किया है। तो फुटवेयर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने डेली वेयर के अकॉर्डिंग परचेस किया है, कैजुअल है, तो अगर आप जैसे अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स से बाहर भी जाते हैं उस अकॉर्डिंग बहुत ही कंफर्टेबल वाली ये वाली फुटवेयर है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। मैंने डेली वेयर के अकॉर्डिंग इसमें 2 कलर परचेज किए हैं और ये पिंक पैंथर में है, ये जो फेमस कार्टून है उसके ऊपर है ये वाला, यहाँ पे आपको इसका लोगो मिल जाएगा पिंक पैंथर का। एंड कलर इसमें 2-3 मतलब 4-5 कलर अवेलेबल है, मैंने इसमें 2 कलर परचेज किया, ब्लैक कलर जो कि सभी के साथ मैं कैरी कर सकती हूँ, और एक जो कलर मैंने परचेज किया है वो है रेड कलर, रेड कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, इस तरीके का आपको रेड कलर मिल जाएगा। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करती हूँ तो ये आपको पूरी रबर में मिलेगी, जो कि रबर बहुत ही कम्फर्टेबल होता है, अगर आप डेली में से यूज करते हैं ना उस अकॉर्डिंग काफी कम्फर्टेबल रहेगी, और अगर आप नॉर्मल मार्केट जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है, यूनिक है, थोड़ी स्टाइलिश भी है, क्यूट भी है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्राइस सभी की आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसका जो सोल है आपको इसका पीवीसी मटेरियल का मिलेगा, उस अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें मैंने दोनों कलर परचेज किए हैं, एक मेरी मॉम के लिए, एक मेरे लिए, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्यूट भी है, स्टाइलिश भी है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। तो गाइस अब आते हैं हील्स पे, हील्स के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट हील्स ट्राई किए हैं, तो ये वाले मैंने वेजेस परचेज किए हैं, हील्स एंड वेजेस प्लेटफॉर्म वेजेस हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, प्योर लेदर के हैं। मेरे पास बहुत सारे इस टाइप के आपको प्लेटफॉर्म हील्स वेजेस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आज तक जितने भी मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे इसका, जो मतलब आप देख सकते हो ये हील इतना मिल जाता है इसमें, तो अगर आप हील पूरे टाइम पहनते हो ना तो बहुत ज़्यादा पैरों में भी दर्द होता है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कुछ इस तरीके के वेजेस ट्राई किए हैं, आपको अगर आप हाई रेंज में जाते हो तो आपको कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल वेजेस मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी हैं, स्टाइलिश भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं, तो कुछ इस तरीके के मिलेंगे। इसमें मैंने ये वाला कलर परचेज किया है, प्योर लेदर के हैं ये, और यहाँ पे आपको इस तरीके का इसमें डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, पूरा जो है
इन्होंने इस तरीके का इसमें लगाया हुआ है। स्टोन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, स्टाइलिश भी है, बहुत ज्यादा यूनिक भी है। जो नेक्स्ट हील मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस तरीके के रेड हील मिल जाएंगे। कलर इसमें आपको एक ब्लू शायद अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। ये प्योर जो है आपको वेलवेट में मिलेंगे। ब्लॉक हील्स है, हील आप देख सकते हो, हील का साइज आपको इतना मिल जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी रहते हैं और मुझे हील्स पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो ही सेम 6 नंबर है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हैं। ये किसी भी ओकेजन, किसी भी फेस्टिवल उस अकॉर्डिंग परफेक्ट है। कैजुअल अगर आप इन्हें जीन्स वगैरह के साथ भी कैरी करते हैं ना, उस अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं और आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं किसी भी ड्राई क्लॉथ से, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के ये वाले हील मिलेंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल प्राइस में है। स्टार्ट करते हैं शूज से, स्नीकर से। मैंने ये वाले बहुत ही क्यूट से स्नीकर परचेज किए हैं, पिंक कलर में, बहुत ही क्यूट है, स्टाइलिश है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे स्नीकर। एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप देख के परचेज कर सकते हो। कलर ऑप्शन आपको एक दो और अवेलेबल मिल जाएंगे, आप उस अकॉर्डिंग अपने परचेज करो। एंड अगर मैं इसके मटेरियल की बात करती हूँ तो ये ऊपर का जो मटेरियल आता है ना, इसका सिंथेटिक मटेरियल है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, सॉफ्ट रहता है पहनने के बाद। नीचे के आपको जो इसका सोल है वो आपको इसका रबर का मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, आप उसे पूरे दिन भर पहन सकते हो। इसमें जो ये वाला डिजाइन दिया हुआ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पे, इन्होंने ये वाला डिजाइन दिया, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कुछ इस तरीके के ये वाले स्नीकर मिल जाएंगे और अभी विंटर से स्टार्ट हो रही है, उस अकॉर्डिंग मेरा अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप परचेज करना चाहते हैं फॉर कॉलेज, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी अच्छे हैं और नॉर्मल में भी अगर आप इसे पहनते हैं उस अकॉर्डिंग में काफी अच्छे हैं, तो मुझे ये वाले पसंद आए, आप डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्लैट से। मैंने आपके साथ बहुत मतलब ये डेली वेयर के कलेक्शन शेयर कर दिया, स्नीकर शेयर कर दिए, तो हील शेयर कर दिए, तो अब आती है बारी फ्लैट्स की। अगर आप आउटिंग के लिए कहीं बाहर जाते हो तो इस तरीके के फ्लैट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें हील्स पहनना पसंद नहीं होता, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि हील्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, फ्लैट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत स्मार्ट लुक देते हैं। तो इस तरीके के फ्लैट आप ट्राई कर सकते हो, जीन्स के ऊपर और कुर्ती वगैरह के साथ भी बहुत अच्छे से जाएंगे। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करती हूँ, ये आपको पूरा सिंथेटिक में मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, जीन्स वगैरह के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। एंड आउटिंग पे, डेली यूज के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और स्मार्ट लुक भी देंगे। तो गाइज आई होप आपको आज का ये फुटवेयर कलेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि कौन सा फुटवेयर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपका फेवरेट कौन सा है। और पसंद आया तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना उससे मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।